इंदौर में एक हेड कांस्टेबल ने फांसी लगा ली। रविवार दोपहर में वो ड्यूटी पर था। रात में घर लौटा, परिवार के साथ समय बिताने के बाद कमरे में सोने चला गया। जब कमरा अंदर से बंद था तो पत्नी ने सुबह दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा, अंदर पति फंदे पर लटका हुआ मिला। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक घटना सिविल लाइन की है। यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हेड कांस्टेबल मोहन पुत्र छगन लाल सोलंकी का शव सोमवार सुबह फंदे पर लटका मिला। वो द्वारकापुरी थाने में पदस्थ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जया सोलंकी और दो बेटे हैं। मूल रूप से खारगोन का रहने वाला था, वहीं पत्नी जिला कोर्ट में क्लर्क है। मोहन पुलिस विभाग में 2007 से आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था। पहले राजेंद्र नगर थाने में ही पदस्थ था, उसके बाद द्वारकापुरी में पोस्टिंग हो गई। कुछ समय पहले ही उसे प्रमोशन मिला था, जिसके बाद वो हेड कांस्टेबल बना। उसके पिता पीएचई विभाग में पदस्थ थे, वहीं छोटा भाई ठेकेदारी के काम से जुड़ा हुआ है। मोहन की तीन बहनें हैं। मोहन पारिवारिक बातों को लेकर कुछ दिनों से तनाव में चल रहा था। वो थाने में भी स्टाफ से कम ही बात करता था। दोपहर में उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। मोहन के कमरे से पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, उसका मोबाइल जब्त किया गया है। वहीं मोबाइल से सुसाइड के कारण का पता चलने की संभावना जताई जा रही है। कल रात में 1:30 बजे तक ये पड़ोसियों के साथ और सबके साथ बाहर ही टहल रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात जो है समझ में नहीं आ रही है कि जिसके कारण जो है इन्हें ऐसा कदम उठाया। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।